नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित और मैं अपने चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे शेडिंग की प्रैक्टिस के बारे में। और ये एक ऐसा वीडियो होगा फ्रेंड्स कि अगर आप इसमें हम कुछ ड्रॉ नहीं करेंगे, बस मैं इसमें आपको ये बताऊँगा कि आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं एरियाज़ को और शुरुआत में आपको शेडिंग कैसी करनी चाहिए, कैसे मतलब आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए शेडिंग की, अगर मैं ये कहूँ तो। तो यहाँ पर मैं इट्स अ वेरी नॉर्मल पेंसिल व्हाट आई एम यूजिंग हियर। इट इज़ अप्सरा पेंसिल एंड जस्ट 3B पेंसिल, अप्सरा 3B पेंसिल। सो अभी यहाँ पे बस कुछ हम ऐसे ऐसे ड्रॉ करते हैं रफली एंड देन वी विल प्रोसीड फॉर फर्दर शेडिंग। तो अभी देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पे मैं ऐसे ही रफली कुछ भी आई एम जस्ट गेटिंग अ शेप। मैं यहाँ पे फेस के फीचर्स को नहीं मैच करूँगा, बस जैसे हम शेप को ड्रॉ कर सकते हैं बस उसी तरीके से एक शेप को ड्रॉ करूंगा। तो कुछ इस तरीके से मैंने शेप ड्रॉ किया। अब शेप के बाद आपको शेडिंग की प्रैक्टिस कैसे करनी है और कैसे आपको अपनी इमेज को आइडेंटिफाई करना है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स। सपोज़ आपने आउटलाइंस ड्रॉ कर ली कुछ इस तरीके से, मतलब कैसे भी आप कर सकते हैं, तो मैं बस रफली आपको बता रहा हूँ क्योंकि आउटलाइन यहाँ वीडियो का पर्पज़ नहीं है। द पर्पज़ इज़ टू गेट द शेडिंग प्रैक्टिस। तो यहाँ पे मैं जैसे कोई भी 4B 3B पेंसिल जो भी आप ले लीजिए और किसी भी ब्रांड की हो वो हो, तो यहाँ फ्रेंड्स इस इमेज में देखिए जो कि रियल इमेज है, वहाँ पे देखिए जो डार्कर एरिया है जहाँ पे शेडिंग होनी चाहिए वो आइडेंटिफाई कीजिए सबसे पहले। और यहाँ पे मुझे फोरहेड पे ये एरिया दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा फ्रेंड्स, और इसी के बाद चीक्स पे भी इसी तरीके से ये एरिया दिख रहा है। नोज़ पे वन साइड दिख रहा है क्योंकि लाइट्स जो हैं इस तरफ से पड़ रही हैं, इस डायरेक्शन से, सो द शेडिंग इज़ ऑन दिस साइड। तो ये एक ये हो गया, दिस हो गया, ये एरिया हो गया, यहाँ ये एरिया हो गया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर प्रैक्टिसिंग शेडिंग, जस्ट आइडेंटिफाई दीज एरियाज एंड जस्ट गेट द फर्स्ट क्रॉस हैचिंग। केवल क्रॉस हैचिंग कीजिए और उसमें कुछ भी मत कीजिए, लाइक दिस। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से केवल क्रॉस हैचिंग किया और उसको मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया उसमें कि उसको स्मच किया या कुछ किया, कुछ भी नहीं। सेकेंडली उसके नीचे भी इसी तरीके से क्रॉस हैच किया, अभी केवल डायगोनल हैचिंग कर दी मैंने। और इसी तरह से नोज जहाँ पे है वहाँ पे भी मैं कुछ वैल्यूज़ को ऑप्ट कर रहा हूँ केवल क्रॉस हैचिंग्स करके। और आइज़ में भी देखिए जो ऊपर डायरेक्शन में है वहाँ पर भी है, नीचे डायरेक्शन में भी है, और ये देखिए इस तरीके से फ्रेंड्स आप केवल शुरुआत में प्रैक्टिस कीजिए और आप देखेंगे कि अभी अगर मैं चाहूँ तो केवल ये शेडिंग कर करके ही इस फेस को डेवलप कर सकता हूँ, और वो भी मैं आपको करके बताऊँगा जल्द ही किसी वीडियो में। अभी फ़िलहाल मैंने आपको केवल ये एक टास्क दिया है जो आप कीजिएगा और मुझे इस तरीके से करके भेजना चाहें तो आप मुझे को भेज भी सकते हैं इंस्टाग्राम पे, मैं देखूँगा कि कितने लोगों ने इस पर प्रैक्टिस किया है। एंड मुझे लगता है इट इज़ गोइंग टू बी द वेरी हेल्पफुल वीडियो फॉर यू, और आप ये टेक्निक यूज़ करके आपके लिए इतना ज़्यादा हेल्पफुल होगा फ्रेंड्स ये कि मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े मास्टर्स भी इसी स्टाइल में ड्रॉ करते हैं और इसी तरह से प्रैक्टिस करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉलेजेस में इस तरह से प्रैक्टिस कराया जाता है हैचिंग प्रैक्टिसेस, और इसी के बाद फिर शेडिंग आता है जो हम लोग प्रॉपरली स्मच कर देते हैं या वाटर कलर ब्रश यूज़ कर देते हैं, वो फ्रेंड्स वो सारी चीज़ें बाद में आती हैं। जहाँ तक शेडिंग की बात है और जहाँ तक आपको शेडिंग में अंडरस्टैंड करना है, क्या चीज़ अंडरस्टैंड करना है वो उसकी बात है, तो यही बस आपको इतनी ही चीज़ करनी है जितना मैंने अभी यहाँ आपको बताया।
और जैसे जैसे आप ये करते जाएंगे आपको समझ में आने लगेगा फ्रेंड्स कि आपकी शेडिंग डेफिनेटली इम्प्रूव हुई है, क्योंकि प्रॉब्लम यही है कि शेडिंग में आइडेंटिफिकेशन जो है ना फ्रेंड्स, जो वो ही गड़बड़ हो रहा है कि लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि विच आर द एरियाज़ जिस पे मुझे शेड करना है और कौन से एरिया है जहाँ पे मुझे लाइट्स देनी है। और डार्कर डार्केस्ट एरिया जैसे ये हैं, ये तो आइडेंटिफाई कर लेता है बिगिनर, और ये एरिया जैसे आई बॉल के अंदर गई या फिर हेयर्स में है, ये तो आइडेंटिफाई हो जाते हैं मुस्ताश में या फिर बियर्ड्स में। बट द प्रॉब्लम इज जो मिड टोन्स हैं, जैसे कि ये एरिया है यहाँ पे देखिए थोड़ी सी शेड्स हैं, इसी तरह से ये लाइंस हैं शेडिंग्स की, और ये पूरा पोर्शन है आई बॉल के ऊपर लेफ्ट साइड में, आई लोअर आईलिड पे, नोज़ के यहाँ पे, ये सारे पॉइंट्स जो हैं बिगिनर्स अक्सर छोड़ देते हैं और बिल्कुल एक फ्लैट सा पोर्ट्रेट बना के दे देते हैं, तो वो नहीं करना है। और शेडिंग अगर सीखनी है फ्रेंड्स, तो मैं आपको ये बताऊं कि अगर आप इस तरीके से शेडिंग सीखते हैं शुरुआत में और इस तरह से आप लर्न करते हैं चीज़ों को, तो आपको फिर किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप 100% इसमें कॉन्फिडेंट हो जाएंगे और आप देखेंगे कि आपकी ड्राइंग, आपकी शेडिंग टेक्निक सब कुछ इम्प्रूव हो रहा है, और बस यही टेक्निक यूज़ करके। तो फिलहाल आज मुझे बस आपको यही बताना था फ्रेंड्स, और मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि आप लोग इस पर कुछ करके मुझे भेजते हैं, और मैं देखना चाहूँगा कि कितने लोगों ने इस पर प्रैक्टिस किया है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वंस अगेन, और इसी तरह से कीजिएगा फ्रेंड्स, और मुझे बताइएगा कि आपको क्या दिक्कतें आ रही हैं इसमें। तो आज के फिलहाल ट्यूटोरियल में इतना ही फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक नहीं किया है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वंस अगेन।